लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है? माफी चाहेंगे भाई, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, पिछले वीक क्लास नहीं ले पाए, थोड़ा स्टूडियो का इशू था, पर अभी सॉल्व हो गया। दीक्षा, ईशा, रानी, वंदना, कांशा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? बढ़िया। एक बार बताना यार, साउंड ठीक है क्या? एयरमैन मुन्ना, तुम्हारा नाम मुन्ना है, तुमने रख लिया मुन्ना? सब ठीक है? अरे फटाफट थम्स अप भेज दो। यस मैम, साउंड ठीक है? नहीं, ठीक है, ओके। चलो भाई, हमने खुद ही चेक कर लिया कि ठीक है, अब तुम तो बता नहीं रहे। हाँ जी, आज आपकी क्लास वोकैबुलरी की है और क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी, सब बढ़िया। चलो जी, थम्स अप आने शुरू हुए, इसका मतलब सब ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग धर्मेंद्र, धर्मेंद्र मतलब ठीक है, विवेक गुप्ता, शोभा, सब ठीक है। आई एम न्यू स्टूडेंट मैम, वेलकम भाई, वेलकम। जो लोग भी नए हैं उनका भी स्वागत है, और जो पुराने हैं उनका और भी ज़्यादा स्वागत है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। हाँ जी, लव फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान, ओके जी, नमस्ते, चलते। हाँ भाई, अरे एक इम्पॉर्टेंट बात थी, जो स्टूडियो के कुछ इशू की वजह से जो जिस बैच की क्लास कल से शुरू होनी थी, मीन्स जो न्यू फाउंडेशन बैच है, शायद वो बच्चे भी हमसे अटैच होंगे अभी, तो अगर वो हैं तो प्लीज़ मुझे कोई सिंबल थम्स अप का भेज सकते हैं। यस मैम, मतलब जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, मींस जिनका एडमिशन हुआ है अभी, जिनका बैच कल से उनकी क्लासेस शुरू होनी थी, मींस 2 मई से क्लासेस शुरू होनी थी, पर यार कान पकड़ के सॉरी, कल नहीं हो पाएंगी, उनकी क्लासेस परसों से शुरू होंगी भाई, 3 मई से। तो जो जो बच्चे हैं वो सबसे पहले तो मुझे माफ़ी दें इस बात की कि कल से क्लास नहीं, आपका एक दिन खराब हो गया। कल से क्लास होनी थी फाउंडेशन बैच में, है कोई आप में से? वैसे तो हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी होगी, फिर भी ओके जी, ठीक है, थम्स अप मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा आप सब से माफ़ी चाहेंगे हम। ओके जी, ओके ओके ओके, सब लोग हैं, चलो शुक्र है, कम से कम आप तक क्लास ये वाली तो पहुंच जाएगी। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो 3 मई से शुरू होंगी, मीन्स आपकी जो क्लास कल से शुरू होनी थी कल से नहीं होगी, जो फाउंडेशन बैच था जो आज से आप शायद एडमिशन होगा जिस जिसका, उनकी क्लासेस परसों से शुरू होगी, ग्रामर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन के कंप्लीट बैच की क्लास शुरू हुई है, ठीक है जी। तो वो शिकायत ना रखें हमसे, क्लास जल्दी से आपकी परसों शुरू हो जाएगी 3 मई से, ठीक है जी। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये, और दूसरी ये कि चलो क्लास को शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ, और हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रेजिक, और ट्रेजिक का मतलब होता है कोई ऐसी घटना, दुखद सी, है ना, अनहैप्पीनेस वाला जो सिंबल है। तो हम कैसे इसको याद कर सकते हैं? सबसे पहले तो ट्रेजिक, आपको वो ट्रेजेडी जैसा नहीं लगता क्या? ट्रेजेडी कहते हैं, वो ट्रेजेडी हो गई, तो ट्रेजेडी क्या होती है? कोई दुखदायक घटना, जो मतलब पेनफुल सी घटना हो, उसे ट्रेजिक कहते हैं। तो ट्रेजेडी से हम ट्रेजिक वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, पहली बात तो ये देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब हम इसके कुछ सिनोनिम देख लेते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला वर्ड आया फैटल, फैटल का मतलब भी घातक होता है, मतलब कोई चीज आपके लिए बड़ी हार्मफुल हो उसे फैटल कहते हैं। लाइक जैसे फेट है, फेट मीन्स भाग्य होता है। अगर आप अपने कर्मों को छोड़कर, मीन्स काम करना छोड़कर, बहुत सारे लोग कोई सुना होगा आपने, अरे ईश्वर दे देंगे, भाई देंगे तो ईश्वर ही, पर ऐसे छतवत सी फाड़ वाड़ के अंदर से कुछ नहीं होने वाला, ले टमाटर, ले बनाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं और कर्मों के पीछे नहीं, मींस काम नहीं करना चाहते भाई, है ना, कर्म नहीं करना, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो उनकी सिचुएशन फाटल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? घातक हो जाएगी, दुखद हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, वर्ड है हमारा पैथेटिक। भाई ऐसा है, पढ़ते रहिए, 2 मिनट दूंगी पूरी स्लाइड को समझाने के लिए, आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। इसके बाद जो वर्ड सिखाऊंगी उसका एक छोटा सा टेस्ट आप देंगे, उस टेस्ट में आप पक्का अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है, पर फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ देखते रहो। नेक्स्ट देखिएगा पैथेटिक,
पैथी इसमें एक रूट वर्ड है, पता है आपको? पैथी, पैथी एक रूट वर्ड है और इस पैथी का मतलब होता है फीलिंग, है ना। पर जो सिचुएशन है पैथेटिक सिचुएशन, मतलब कि किसी चीज को देखकर आपको एकदम फीलिंग से ऐसे कहते ना यार बहुत बुरा हुआ, तो किसी ऐसी सिचुएशन या किसी इंसान को देखकर अंदर जो भावना ऐसी आती है बहुत ही दुखदाई, तो बोलेंगे पैथेटिक सिचुएशन है यार, मतलब उस पे दया कहते हैं ना, जैसे किसी को देखकर बहुत पीड़ा में देखकर, पीड़ा में देखकर ही तो फीलिंग आ रही है ना, दया आ रही है, तो पैथेटिक सिचुएशन की उसकी स्थिति कैसी है, पैथेटिक है तो हम उसे दुखद भी कह सकते हैं या ट्रैजिक भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगला वर्ड मॉर्नफुल, मॉर्नफुल, अब आप समझिए मौन के अंदर मरना लग रहा है आपको, मौन के अंदर आपको एक मरना सा ऐसा ये वर्ड दिख रहा होगा मौन, है ना, मौन मरना, तो मौनफुल अगर ऐसा किसी कहीं पर हो जाता है तो जो अंदर भावना आती है वो डेफिनेटली ट्रैजिक आएगी, दुखद आएगी, मौनफुल वर्ड याद हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाती हूँ, वर्ड है हमारा डिजास्टरस, डिजास्टरस वर्ड क्या हुआ, डिजास्टर, अगर डिजास्टर आ जाए, कैलामिटी जिसे कहते हैं, डिजास्टर आ गया, मान लो कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो ऐसी घटनाएं दुखद ही तो होती है, तो डिजास्टर को भी हम दुखद कह सकते हैं। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल तो नहीं सुना होगा, डेड तो जरूर सुना होगा, इसी के अंदर से एक वर्ड निकाल लेते हैं डेड, और डेडफुल ऐसा बोल के फिर इसको ड्रेडफुल कर देते हैं, तो डेडफुल बहुत सारी मौत, कैसा, कैसी घटना, दुखद घटना, ट्रैजिक घटना, एंड द लास्ट वन इज शॉकिंग, दिस न्यूज इज शॉकिंग फॉर मी, मीन शॉकिंग है बहुत यार, सुनते ही शोक लग गया, शोक लग गया, मानसिक शोक लग गया, तो उसे भी हम ट्रैजिक कह सकते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में जो जो वर्ड आप सीख रहे हैं जल्दी जल्दी लिखिए, क्या लिखा हमने, फर्स्ट वर्ड इज ट्रैजिक, बेटा बस यही एक तरीका है जिससे आप वोकैबुलरी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं रट्टा मारूंगा और किताब मेरे सामने और बस यू यू गर्दन ऊपर नीचे, बस बस 10-20 वर्ड याद कर लूंगा, अगले दिन ना कुछ भी याद नहीं रहना, तो आप जब तक एक लिंकिंग प्रोसेस क्रिएट नहीं करेंगे अपने माइंड के अंदर, कभी भी कुछ भी याद करने के लिए आपको एक लिंक तो क्रिएट करना होगा, अगर आप उस लिंक को क्रिएट नहीं करते तो भाई कभी भी नहीं सीख पाएंगे। वर्ड देखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वेरी गुड, जो जो भी लिख रहे हैं, कांशा, संतोष, हाँ जी, जो जो भी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, काशु, अंजू, फटाफट सारे वर्ड्स को लिखिए, एक दो नहीं भाई, सारे वर्ड्स लिखिए, सारे याद हुए और साथ में याद जो आपको याद हो गए वो भी लिख दो, क्या क्या देखा, ट्रैजिक, ओके, प्रिया, अंजलि, चंचल, सुमन, मधु, रवि, प्रीति, बहुत बढ़िया, मंताशा, ड्रैड, सारे लिखना है और एक दो नहीं लिखना, साथ के साथ वर्ड लिखिए। देखो इस मेथड को कहते हैं ग्रुपिंग, एक जैसे वर्ड्स का कलेक्शन करके आप सीख जाइए, कभी एग्जाम में ये वाला वर्ड आया, कभी ये आया, कभी ये आया, कभी ये, किसी एग्जाम में ये आ रहा है, किसी में ये आ रहा है, तो बहुत ज्यादा भी वर्ड नहीं है, अगर मैं ऐसे कलेक्शन की बात करूं तो शायद 300-400 यार, मतलब मेन वर्ड 300-400, फिर आगे सिनोनिम हो सकते हैं। आपने महसूस किया होगा जो आपको एग्जाम में वोकैबुलरी आती है वो कैसी वोकैबुलरी आती है, आपके डेली लाइफ रूटीन से रिलेटेड आती है, कोई आपसे साइंस कॉमर्स की वोकैबुलरी वहां नहीं पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ सिर्फ इतना चेंज हो जाता है कि किसी बार ट्रैजिक पूछा तो इस बार मौनफुल पूछ लिया। जल्दी से लिख दिया सबने, जल्दी से मुझे थम्स अप भेजिए, यस मैम क्लियर, आप अगले की तरफ बढ़िए। पहला वर्ड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, डेट इज ट्रैजिक, मीन्स फेट पे बहुत ज्यादा विश्वास करना, फैटल, पैथी इज रूट वर्ड रिलेटेड टू फीलिंग, पैथेटिक सिचुएशन दयनीय स्थिति, मौनफुल मरना, डेडफुल मरना, ये है ही सिचुएशन ही ऐसी हो गई भैया, दुखद ही तो है, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस लाइक जैसे कैलामिटी होती है, भूकंप है, बाढ़ है, ये सब डिजास्टर है, एंड द लास्ट वन इज शॉकिंग, भैया किसी को माइंड में शॉक लग गया किसी चीज को, किसी न्यूज को सुनकर, तो दुखद घटना है। वर्ड सेकेंड वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, वर्ड है हमारा नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, है ना। अच्छा एक थोड़ा सा इमेजिन करेंगे अपने माइंड में, नींबू जो होता है, नींबू, नींबू को कट करिए और किसी की आईज में अगर नींबू डाल देंगे तो बताओ उसको दिखेगा या नहीं दिखेगा, बताओ जल्दी से मुझे, मिस पल्ट पे भी एक क्लास ले लो, ओके जी, दिखेगा नहीं दिखेगा भाई, नींबू कट करके किसी की आईज में नींबू डाल दोगे तो उसको दिखना तो है नहीं, तो सिचुएशन हो जाएगी नेबुलस,
तो नेबुलस सिचुएशन कहलाती है, अनक्लियर सिचुएशन, अस्पष्ट। तो पहला वर्ड याद हुआ, नेबुलस सिचुएशन, कैसी? अस्पष्ट, अनक्लियर। तो अच्छा भैया डिम लाइट है, अब इससे रिलेट कर लेते हैं। अब मैंने कहा डिम लाइट है, लाइट डिम है, तो कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो अनक्लियर सिचुएशन, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, मैंने कहा डाउटफुल, डाउटफुल भी सिचुएशन, अनक्लियर सिचुएशन, जिसमें आप फंस ही गए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या, तो क्या हम उसको अस्पष्ट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगले में चल रहा है वेग, और हवा का बहुत तेज वेग, जिसे तूफान कहा जाता है। और भाई एक बात बताओ, तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में तूफान, आंधी तूफान आ जाते हैं, दिखेगा तुम्हें क्लियर? नहीं दिखेगा। तो बहुत ज्यादा वेग, हवा का वेग मीन्स तूफान, तो दिखेगा नहीं, उसमें भी क्या होगा? अनक्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनक्लियर। अगला देखते हैं, मैंने कहा कंफ्यूजिंग, क्या मैं इसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, कंफ्यूज जब होते हैं तभी तो हम अस्पष्ट हैं, अनक्लियर हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या करना है, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग। अब इसमें भी कंफ्यूजिंग के अंदर भी फंस गया है बंदा, ध्यान दो, और इसके अंदर भी फंस गया, ध्यान दो, और इसको बोलो ऑब्फस्केशन। अब फंस गया, देखो अब फंस गया, ये कंफर्म फंस गया, तो कंफ्यूज से ही याद करेंगे हम ऑब्फस्केशन, जिसके अंदर भी बंदा फंस गया है। तो ध्यान दीजिए, नींबू डाला, दिख नहीं रहा, फंस गया, कंफ्यूजिंग। डिम लाइट, कंफ्यूजिंग। डाउटफुल, कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का फंस गया, हमने कहा ऑब्फस्केशन, तो सारे वर्ड कैसे? अनक्लियर है। हवा का बहुत तेज वेग, क्या कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो हमने कहा ये सारे के सारे वर्ड अनक्लियर सिचुएशन को कहते हैं। भैया ऑब्फस्केशन पर कहानी पूरी नहीं होती, और ऑब्फस्केशन से ही वर्ड बन के आता है ऑब्स्क्योर। क्या बन के आता है? ऑब्स्क्योर, जिसका मतलब भी धुंधला ही होता है, अस्पष्ट ही होता है, अनक्लियर ही होता है, एम्बिगस ही होता है, नेबुलस ही होता है, डिम ही होता है। तो ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। अगले वर्ड की तरफ जाती हूँ, मर्की। मर्की में मर्की देखिए, है ना, मरकरी, देखिए मरकरी, आपने देखा होगा, पहले कभी देखा होगा, मरकरी बल्ब होते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो फेंटेड फेंटेड से हो जाते हैं, है ना, पहले होते थे, अब तो एडवांस लाइट आ गई, तो मर्करी बल्ब यूज किए जाते थे, थोड़े समय के बाद वो फेंटेड, जो लाइट हो जाती थी उनकी फेंटेड, धुंधला, धुंधली हो जाती थी। तो मर्की सिचुएशन कैसी? मर्करी से धुंधला। नेक्स्ट देखिएगा कॉमोशन। कॉमोशन क्या होता है? कॉमोशन, देखिए ध्यान दीजिए, मोशन हलचल, कॉमन मतलब सब लोग, सब लोग इधर उधर इधर उधर दौड़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन किधर जा रहा है, तो दिस इज कॉमोशन। कॉमोशन सिचुएशन होती है डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, जब समझ नहीं आ रहा यार, कंफ्यूजन है, ऑब्फस्केशन है, ऑब्स्क्योर हो गए हो, तो ये सारी सिचुएशन क्या है? कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। तो वर्ड को देखिए, क्या क्या वर्ड दिखा हमने, हाँ अब एलईडी आ गए, वो नहीं होते, इसीलिए मर्की धुंधले होते थे, इसलिए अब एलईडी बल्ब यूज करने लगे। लिखिएगा सब फटाफट, सब लिखिए। द फर्स्ट वर्ड इज नेबुलस। नेबुलस भाई फटाफट लिखिए, फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में, कल मेरा एमटीएस का एग्जाम है। अच्छा जी, गुड, ऑल द बेस्ट। कॉमन होकर मोशन मतलब कि इधर उधर इधर उधर सब दौड़ रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा भाई, सब कोई नहीं लिख सकता क्या? आप में से कितना चार्ट रेट है? मैं चार्ट रेट देख लेती हूँ भाई। अगर मान लो कि किसी क्लास में 1000 बच्चे लाइव हैं फॉर एग्जाम्पल, और पढ़ रहे हैं सिर्फ 300, क्योंकि 300 का चार्ट रेट है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, क्या देख रहे हो? समझ नहीं आ रहा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लिखने से क्या होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। जितना आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, उतना ज्यादा आपकी प्रायोरिटी बढ़ेगी कि आपको चीजें याद हो, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आपको वर्ड्स याद होंगे। क्या क्या वर्ड देखे हमने, फटाफट फिर से देख लेते हैं। नेबुलस, पहला वर्ड क्या है भाई? नेबुलस, नींबू डाल दो आंख में, दिखना दिखना है नहीं बंदे ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, डिम लाइट है, पता ही नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। डाउटफुल सिचुएशन, डाउट हो रहा है मेरे को, पता ही नहीं लग रहा, कंफ्यूज हो रहा हूं यार, कंफ्यूज में मतलब आप फंस गए हो कंफ्यूज में। अब इसी फंस से हम ऑब्फस्केशन, जल्दी से ऑब्फस्केशन का स्पेलिंग लिखिए, फंस गए हो, राइट। अब इस ऑब्फस्केशन का ओ भी चुरा के लाएंगे और बनाएंगे नया वर्ड ऑब्स्क्योर। बच्चा ऑब्स्क्योर और ऑब्फस्केशन दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कहा मर्की, अब एलईडी लाइट इसलिए आई क्योंकि मर्की धुंधले हो जाते थे, मर्की मतलब धुंधला,
कोमोशन, कोमोशन क्या होता है, इधर उधर इधर उधर लोग जा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इट्स द काइंड ऑफ डिसऑर्डर और हम इसे नेबुलस कह सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके एंटोनिम अगर पूछ लिए जाएं, वैसे तो उसके ऊपर भी क्लियर हम स्लाइड्स पढ़ेंगे, फिर भी सोचिए कि कोई चीज अनक्लियर है, अस्पष्ट है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, क्लियर होगा ऑब्वियसली। तो पहला वर्ड है एपेरेंट, पहला वर्ड क्या है, एपेरेंट। आप अपने पेरेंट को, क्या आपके पेरेंट्स आपसे क्लियर हैं या अनक्लियर है, ये बताइए पहले मुझे। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे क्लियर हैं या अनक्लियर हैं, क्लियर हैं? पहली बार क्लास ले रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है, अरे वाह ग्रेट भाई। हमारी तो कोशिश है, टीचर मेरी क्या, हर टीचर की यही कोशिश रहती है कि वो अच्छे से अच्छा सिखा पाए, बच्चों को पढ़ा पाए और जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको इजी बना पाए। तो मेरी भी पूरी कोशिश रहती है और टीचर्स की ही तरह कि बच्चों को जितना कंफर्टेबल, जितना आसानी से मैं चीज़ें याद करा सकती हूँ, उसके लिए ऑब्वियसली हमारी मेहनत होती है और मेहनत करते हैं। और हर किसी को अपने हिस्से का काम पूरी शिद्दत से करना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने हिस्से का काम करिए। हाँ जी, क्या कहा, अपेरेंट है, क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है, क्लियर है भाई, सबके पेरेंट्स उनके लिए क्लियर हैं। तो बेसिकली हम इससे एक वर्ड बनाना चाह रहे हैं, अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्लियर है ना। द नेक्स्ट वन इज लूसिड, लूसिड भी एक रूट वर्ड है, आपको पता है लूसिड के अंदर एल यू सी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब लाइट होता है। अब भैया कहीं पर लाइट है तो वो चीज तो लूसिड होगी ना, लाइट है, डिम नहीं है, लाइट है तो क्लियर होगी, हम इसे एविडेंट कह सकते हैं। एविडेंट कुछ अलग से वर्ड नहीं यार, डेफिनेटली आपको एविडेंस वर्ड पता होगा। एविडेंस क्या होते हैं, सबूत, और जिस चीज का सबूत हो वो तो क्लियर हुई ना, अनक्लियर कैसे हुई। तो हमने कहा ये सारे वर्ड जो नीचे लिखे हैं ये हमारे क्लियर का सेंस देते हैं, चाहे इसमें लूसिड हो या फिर अपेरेंट हो या फिर आपका एविडेंस से बना वर्ड एविडेंट हो, ये सारे क्लियर हैं और ये सारे अनक्लियर हैं। उम्मीद करती हूं कि दोनों स्लाइड्स के सारे वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। और भैया अगर आए हैं तो प्लीज मुझे हर स्लाइड के बाद थम्स अप जरूर भेजें कि मैम आगे हम बढ़ सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं, पिछले दोनों वर्ड आपके दिमाग में क्लियर। पहला वर्ड क्या था, फर्स्ट वर्ड क्या था, पहला वर्ड क्या था, आप जल्दी से लिखो मुझे। फर्स्ट स्लाइड में हमने कौन सा वर्ड सीखा था, ट्रेजिक, वेरी गुड। और नेक्स्ट में क्या सीखा है, ट्रेजिक क्या था, दुखद घटनाएं, है ना। एक दो तो कोई सिनोनिम याद है, कोई कोई तो होगा यार, अपने दिल से पूछो, दिल से मत पूछो, दिल में तो कुछ और भी हो सकता है, दिमाग से पूछो, अपने दिमाग से पूछो क्या तुम्हें कोई वर्ड याद है जो ट्रेजिक का सिनोनिम बन जाए। फैटल, वाओ, नेबुलस, कृष्णा, गुड, अपूर्वा, वेरी गुड, अंजलि, अंकुश, फंटास्टिक, हिमांशी, अजहर, याद है तुम्हें तो फाटल, पिंटू, दीपक, निशा, विशाल, ग्रेट, सीमा, फाटल, बहुत, सबको फाटल ही क्यों याद है, कोई वो डिजास्ट्रस, वेरी गुड, सपना ने नया वर्ड बताया कुछ, पैथेटिक याद है मैम, शॉकिंग भी याद है, सिद्धू, प्रवीण, प्रिया, वाओ, मनोज, हिमांशी, सुनीता, बहुत बढ़िया, फाटल, ओह ग्रेट, ड्रेडफुल, मॉर्नफुल भी लिख रहे हैं, शॉकिंग भी लिख रहे हैं, चलो बहुत अच्छा, इसका मतलब आपको याद है। द सेकेंड वर्ड इज नेबुलस, नेबुलस मतलब नींबू है, नींबू आप आंख में डालोगे तो थोड़ा अनक्लियर सा तो हो जाएगा ना, तो हमने नेक्स्ट वर्ड हमने नेबुलस पढ़ा, ठीक है जी। ड्रेडफुल, वाओ, ईशा, दिल में गवर्नमेंट जॉब है मैम और कुछ नहीं, अगर तुम्हारे दिल में गवर्नमेंट जॉब है तो फिर पक्का मिल जाएगी। कई बार इंसान के प्रॉब्लम चलती है, दिमाग में कुछ और है, दिल में कुछ और है, अगर दिमाग और दिल में एक ही हो तो मिल ही जाना। चलो जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड है हमारा क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब होता है धोखाधड़ी, है ना। अच्छा एक idiom है, बाय हुक और बाय क्रूक, ऐसा हम जब कहते हैं किसी को, ये काम तो मैं करके ही रहूंगा, मान लो कोई आपके पैसे लेके भाग जाए तो आप उसे कह रहे हैं फोन करके, भाई दे दे, भाई दे दे, और वो दे नहीं रहा, फिर आप इंतजार करते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप गुस्से करते हो, फिर आप क्या करते हो, टेढ़ी उंगली करते हो, क्योंकि भाई हर कोई भाई उसका अब वो तो लेगा ना पैसे, तो वो जो चलते हो ना आप, जो सेकंड वाला, दैट इज क्रूक। तो
हुक होता है बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा, बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब सीधे उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। ये एक इडियम है कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी या सीधी करनी पड़ेगी, मैं ये काम तो करके ही हटूंगा। दिस इज कॉल्ड बाय हुक और बाय क्रूक, सही तरीके से या गलत तरीके से। तो जो क्रूक्ड है वो थोड़ा गलत तरीका है, जिसमें आपको धोखा करना पड़ेगा, कोई जालसाजी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो फ्रॉडुलेंट की सेंस में आता है, फ्रॉड की सेंस में आता है। तो हमने कहा पहला वर्ड है क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब हुआ धोखाधड़ी, ठीक है। अब हमने देखा एक वर्ड है फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट के अंदर क्या है, फ्रॉड है, तो फ्रॉड से ही फ्रॉडुलेंट वर्ड बना है बेसिकली। तो हमने कहा फ्रॉडुलेंट का मतलब फ्रॉड है मैम, धोखाधड़ी हो गया बाय क्रूक हो गया बाय फ्रॉड हो गया। मैंने कहा बोगस, बोगस क्या होता है, बोगस आपने वर्ड अगर आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो तो, हिंदी भी देखते हो यार, उसमें भी बहुत कॉमन है बोगस। सुना है किसी ने बोगस वर्ड? महाराष्ट्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आज महाराष्ट्र दिन है, तुषार जी आपको भी जय महाराष्ट्र, ये कहना चाहते हैं हम, कह देते हैं बोगस। यस, मूवीज में ग्रेट, अगर सुना है बहुत बढ़िया। तो किसी भी चीज को देखकर जब ऐसा कोई रिएक्शन आए इट्स बोगस, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो बोगस जो एनवायरमेंट है, बोगस कोई चीज है, बोगस कोई पर्सन है, तो इस बोगस को कहा जाता है फ्रॉड, ठीक है जी। अगला वर्ड दोनों वर्ड्स में दिखेगा, डिसेप्टिव एंड डिसीटफुल। आपको शायद ये वर्ड मैं पहले भी सिखा चुकी हूं, और इसका मतलब होता है रिसीव, आपको रिसीव हुआ पर रिसीव नहीं, डिसीव हुआ, क्या हुआ, डिसीव। तो वर्ड देखते हैं डिसीव, जो कि हुआ बना है रिसीव से, ठीक है। अब आपने कुछ मंगवाया ऑनलाइन और आपको रिसीव कुछ होना था, हो गया कुछ और जो कि निकला नकली, तो आप रिसीव की जगह आपने कर लिया डिसीव, मींस धोखा। तो डिसीव से बनता है वर्ड धोखा, उसी से बना है डिसीटफुल, उसी से बना है डिसेप्टिव। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिसीव मतलब धोखा, डिसीव से बना डिसेप्टिव और डिसीव से बना डिसीटफुल, तो ये सारे वर्ड धोखे के हैं, फ्रॉडुलेंट हो, बोगस हो, डिसीटफुल हो, या फिर डिसेप्टिव हो, या डिसीव हो खुद, या फिर क्रूक्ड हो, सारे वर्ड धोखाधड़ी के हैं। अब धोखाधड़ी से उल्टा क्या हो सकता है, एंटोनिम की अगर बात करूंगी मैं तो ईमानदारी की बात करूंगी ना, बढ़िया, मतलब हम किसी पर्सन को कहें कि कोई चीज था डेट्स बोगस थिंग, तो डेट्स बोगस थिंग, और किसी चीज को कहें नहीं ये ट्रस्ट वर्दी है, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ट्रूथफुल है भाई, सच है इसके अंदर, और बहुत ही प्यारा वर्ड है अपराइट। आप अगर किसी पर्सन को ये कहना चाहते हैं कि वो एक अपराइट पर्सन है, ही इज एन अपराइट पर्सन, इसका मतलब वो एक ईमानदार पर्सन है जो हमेशा सही है। अपराइट के अंदर राइट वर्ड है यार, और क्या तुम मतलब और क्या मांगते हो, जब खुद ही इसने राइट वर्ड बोल दिया है और ये क्या दे, हाँ। तो राइट का मतलब सही, तो ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड हो गए, सही से। इंतजार किस बात का है, कमेंट सेक्शन में मुझे सारे वर्ड लिख के बताओ, लिखो। आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है जी, ग्रेट। हाइपोक्राइसी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बाखंडी जो फ्रॉड करता है, वेरी गुड ईशा, रितेश, राज, अखिलेश, नीतू, गुरबिंदर, अपराइट, बिल्कुल जी, प्रीति, शोभम, अंकुश, अरे सारे वर्ड लिखने, एक एक नहीं लिखने, जो जो तुम्हें याद हो रहा वो लिख दो ना, क्रूक्ड है, बोगस, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव, डिसीटफुल, कुछ तो याद हो रहा होगा, एक एक दो दो लिख दो, वैसे कोशिश करो कि सारे के सारे लिख दें। एंटोनिम क्या होंगे, उल्टा क्या होगा, धोखे का उल्टा तो ईमानदारी होगी, तो हम इसे अपराइट कह सकते हैं, राइट, गुड, जय हिंद जी, जय हिंद। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड है हमारा कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे याद करें, आपको एक वर्ड पता है कॉम्पिटिशन, अरे बोलो कॉम्पिटिशन वर्ड पता है, कॉम्पिटिशन क्या होता है, कॉम्पिटिशन में तो आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको एग्जाम देना है, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
वो एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी का ही तो परिचय है। तो ध्यान दीजिए, वो कॉम्पिटिशन वर्ड से ही आप कॉम्पिटेंट को रिलेट कर सकते हैं, और इस कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब होता है योग्यता। क्लियर? अब हमने देखा वर्ड है हमारे सामने, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है। कैपेबल, कैपेबल मतलब एबल, एबल मतलब योग्य, कैपेबिलिटी एबिलिटी योग्यता, स्किल्ड। तो जब कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी स्किल ही तो चेक होती है, आपको कितना आता है, क्या क्या आता है। मैंने कहा प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट क्या होते हैं, प्रोफेशनल। अगर हम किसी को प्रोफेशनल कहें, सोचो एक सेकंड के लिए, तो इसका मतलब उसके अंदर योग्यता है ना। अगर हम किसी को कह रहे हैं भाई ये तो मान लो कोई पेंटर है, तो वो ड्राइंग जो उसकी है प्रोफिशिएंट है भाई, है ना, ड्राइंग बहुत अच्छी है, पेंटर है वो, तो वो प्रोफिशिएंट हुआ ना, तो वो प्रोफेशनल हुआ ना। तो जिसके अंदर कोई एबिलिटी है दैट इज प्रोफिशिएंट। द नेक्स्ट वन इज सीजंट। सीजंट किसे कहते हैं? वैसे तो सीजंट का सीधा सीधा मतलब अनुभव, मतलब अनुभवी को कहते हैं। सीजंट जिसने बहुत सारे सीजन देखे हो, जिसने बहुत सारे सीजन करे हो, जैसे कि कोई भी रियलिटी शोज वगैरह में, तो हमने कहा बिग बॉस का सीजन नंबर 5 भी किया था इसने, 6 भी किया था, अरे ये 12 में पहले भी आ चुका, अब ये 15 में भी आ रहा, तो दैट पर्सन इज ऑब्वियसली सीजंट। तो सीजंट वर्ड को हम अनुभवी से रिलेट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड से रिलेट कर सकते हैं, योग्य से रिलेट कर सकते हैं, स्किल्ड से कर सकते हैं, और कॉम्पिटेंट से कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉम्पिटेंट, जिसका मतलब होता है योग्यता। क्लियर? अब उल्टे में जाएंगे तो अनस्किल्ड एंड इनकॉम्पिटेंट बोल सकते हैं, डेफिनेटली आई एन लगाने से वर्ड नेगेटिव, यू एन लगाने से वर्ड नेगेटिव, यू एन आई एन आई एम, इस टाइप के कुछ हमारे प्रीफिक्स जिनको जो किसी वर्ड के साथ लगते हैं तो मीनिंग को मोड़ देते हैं उल्टी दिशा में। ठीक है जी? तो योग्यता इसका मतलब अयोग्यता, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। क्लियर? जल्दी से फिर से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सारे के सारे वर्ड फटाफट भाई, अगले एक मिनट के अंदर सारे वर्ड लिखेंगे। कॉम्पिटेंट योग्यता, कैपेबिलिटी एबिलिटी, जिसके अंदर कोई स्किल हो, जो प्रोफेशनल हो, जिसने बहुत सारे सीजन किए हो, दैट इज डेफिनेटली सीजन्ड। गुड, बहुत बढ़िया भाई, है ना। जो जो लिख रहे हैं मैं देख लेती हूँ। हिमांशु बहुत बढ़िया, अनिकेत, शालू, जाट जी, खुशी, खुशी बस करो बेटा, एक ही मासेज, एक ही मासेज। हाँ बहुत बढ़िया अर्जुन, आप भी हो, क्या हूं मैं, प्रोफिशिएंट। हर कोई अपने काम में प्रोफिशिएंट होता है, उल्टा। गुड, वेरी गुड। कैपेबिलिटी एबिलिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्किल्ड बोलिए, सीजन बोलिए, अरे लिखो, एक दूसरे का मैसेज नहीं, खुद लिखो। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको भी नहीं आएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हमने योग्यता वाले वर्ड सीखे, नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं अनाउंस। अनाउंस का मतलब क्या होता है बताइए तुम, अनाउंस का मतलब क्या, तो घोषणा करना, राइट? पर पता है एग्जाम में आ जाता है, फिर लो आप लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, अभी दिखाऊंगी। देखो मैं वैसे ही नहीं कह रही, इन्हीं वर्ड्स को आप देखिएगा, मैंने ऐसे ही मैं देख रही थी, तो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल उठाए, प्रीवियस ईयर, खुद चेक कर लीजिएगा, मेरी तरफ से बना हुआ नहीं है ये। कभी आप सोचो कि मैम वही पढ़ा रही है, वही पेपर में आ रहा है क्या, आ तो वही पेपर में रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, पर इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आप मेरी बात पे यकीन मत करिएगा, और इसको उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन टाइप करिएगा, लिखिएगा सीजीएल 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, कंफ्यूजन वर्ड आया था क्या, आया था कंफ्यूजन वर्ड आया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कॉम्पिटेंट वर्ड भी आया था, फिर से चेक कर लीजिएगा 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में कॉम्पिटेंट वर्ड आया था नहीं आया था। मैं आपको वही सिखा रही हूँ जो लेटेस्ट एग्जाम्स में अभी पूछा जा रहा है। कोई भी मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि मेरी तरफ से मैं कोई वोकैबुलरी बना दूं, या फिर वो वाली वोकैबुलरी बना जो इजी से वो पढ़ा देती हूँ, या जिसकी जिसकी मैं ट्रिक बना सकती हूँ वो पढ़ा देती हूँ, बाकी को रहने देती हूँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, और ना ही मैं ऐसा करती हूँ। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आप वही पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, और रीसेंट एग्जाम्स है, अब इससे ज्यादा कोई और रीसेंट नहीं। ठीक है जी? चलो पहले पढ़ के आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बाद में।
चलो कहां पर थे हम, अनाउंस पे थे। तो ऐसा मत समझना, हल्के में मत लेना कि ये तो 2 ही ग्राम का वर्ड है अनाउंस, और इसको पढ़ के क्या करना भाई, एग्जाम में तो ये भी आता है। तो अनाउंस का मतलब वैसे तो घोषणा होता है, अनाउंस कर देना। तो क्या मैं इसे क्लियर करना भी बोल सकती हूँ, किसी चीज को क्लियर कर देना भाई। अगर आप अनाउंस कर रहे हैं, मैं अगर अनाउंस करती हूँ कि कल से, कल परसों से मेरा नया बैच शुरू है, 3 मई से, 3 मई से मेरा न्यू बैच शुरू है, फाउंडेशन बैच, तो मैंने अनाउंस किया, ये मेरी अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो मैंने क्लियर ही तो किया है, स्पष्ट कर दिया। बच्चे पूछ रहे मैम नया बैच कब आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए न्यू बैच कब आएगा क्या, तो मतलब मैं अनाउंस कर रही हूँ, अनाउंस कर रही हूँ कि हाँ ये जब आएगा कि 3 मई को मेरा बैच शुरू होगा, तो ये क्या हो गया, अनाउंस हो गया। तो जब आप अनाउंस करते हैं इसका मतलब आप बात को क्लियर करते हैं, ठीक है, तो मैं इसे क्लियर कह सकती हूँ। अगले देखिएगा, क्या मैं इसे पब्लिसाइज कर लूं, भाई जब आपने पब्लिकली ये बात बोल दी, मैंने अभी पब्लिकली तो बोली, आप सब इतने सारे बच्चे लाइव हैं सबके सामने बोल दी, आगे भी वीडियो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो पब्लिसाइज हो गया। मैंने कहा सर्कुलेट, सर्कुलेट बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, मैंने बोली आप तक गई, आपने आगे बताई, तो ये सर्कुलेट हो गया। मैंने कहा एडवर्टाइज, अब ये देखो जैसे अभी ये क्या था, दिस इज बेसिकली एडवर्टाइज, दिस इज बेसिकली एडवर्टाइजमेंट, दिस इज बेसिकली अनाउंसमेंट। तो जिस चीज को मैंने अनाउंस किया कि 3 मई, उसी को मैंने यहाँ पर एडवर्टाइज कर दिया, पब्लिसाइज कर दिया, सर्कुलेट कर दिया। बेटा वर्ड्स को याद रखिए, क्या क्या वर्ड सिखा रही हूँ, पब्लिसाइज कर देना, सर्कुलेट कर देना बात को, एडवर्टाइज कर देना, ये सब सिनोनिम है अनाउंस के। कई बार हम ना समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम ये होती है, सामने ही होता है, हमें थोड़ा आइडिया भी होता है, पर ऑप्शंस इतने नियर होते हैं कि हम समझ नहीं पाते, इसलिए पता होना चाहिए आपको वर्ड्स के बारे में। अगला देखिएगा प्रोक्लेम। अच्छा, जब आप किसी चीज को क्लेम करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके साथ कुछ फ्री आना था, तो आप क्लेम कर देते हैं ना, तो वो क्लेम क्लियर है ना। प्रोफेस कर देना, प्रोफेस मतलब लाइक कन्फेस कर देना, कन्फेस कर लेना कि हाँ मैंने किया है, तो दैट इज प्रोफेस। प्रोफेस क्या होता है, क्लियर, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं हाँ, कि जो प्रोफेसर होते हैं वो हमें हर एक बात को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं, चलते हैं या नहीं चलते, प्रोफेसर जो है डिक्लेयर करके चलते हैं, बात को क्लियर करके चलते हैं, सब कुछ बता के चलते हैं। तो क्या वर्ड सीखा आपने, अनाउंस, अनाउंस का मतलब एडवर्टाइज भी हो गया, सर्कुलेट भी हो गया, पब्लिसाइज भी हो गया, क्लेम को प्रोक्लेम भी कर दिया, प्रोफेसर ने बात को प्रोफेस भी कर दिया, तो दिस इज ऑल अबाउट अनाउंसमेंट, क्लियर कर देना, ठीक है। अब उल्टा मैं कहूं तो सप्रेस, छुपाना, प्रेस करके छुपा लिया, या फिर सील कर दिया, कंसील कर दिया, तो वर्ड को देखिएगा, कंसील, सील कर देना। अब आपको किसी चीज के ऊपर आपने सील लगा दी, तो वो चीज तो कंसील हो गई ना, वो तो छुप गई ना। अगला वर्ड देखिएगा सप्रेस, सप्रेस मतलब प्रेस करके दबा दिया है, सप्रेस कर दिया, छुपा दिया, अब नहीं दिख रहा किसी को भी, ठीक है जी, क्लियर यहां तक। हाँ जी, लिखेंगे फटाफट, क्या वर्ड सिखाया, बहुत बढ़िया। ये राहुल किलर बॉय तुम अपना नाम रख रहे हो, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें, मतलब यार पुलिस को शक भी हो सकता है, ऐसा वर्ड क्यों आप अपने नाम के साथ लगाते हैं राहुल, वैसे आपकी मर्जी है, मतलब मैं तो बस राय दे रही हूं, ऐसा मत किया करो, बहुत बढ़िया। अरे लिखो, सारे के सारे लिखो, अजय बहुत बढ़िया, दीप्ति, अर्जुन, प्रतिमा, सुनीता, सृष्टि, प्रिया, बिंदु, वंदना, अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने समझने को मिलेंगी, और बहुत सारे वर्ड्स भी याद हो गए होंगे, अभी तक भी बहुत सारे वर्ड याद हो गए होंगे, बाकी हम टेस्ट के दौरान देखेंगे आपको कुछ याद हुआ है नहीं। अगला वर्ड देखिएगा डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब होता है टेस्टी, है ना। अब टेस्टी से हम, मुझे समझ में आया कि मैं डिलीशियस वर्ड को रिलेट कर सकती हूँ, डिलीशियस, डिलीशियस तो पता है ना, डिलीशियस मतलब चीजें आप खाने के बाद, जैसे आपने कुछ खाया और खाने के बाद कहते हैं इट्स डिलीशियस, तो डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, इस डिलीशियस से ही आप डिलेक्टेबल वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, डिलेक्ट प्लस एबल, डिलेक्ट मतलब अट्रैक्टिंग, एबल योग्य, जो अट्रैक्ट करे, जो आपकी जीभ को अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज डिलेक्टेबल। लस्सी पीते हो, ये वर्ड मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था,
जो भी पीछे मैंने वो कैबलरी की क्लास ली थी लास्ट से लास्ट वीक, लस्टियस वर्ड, लस्सी पीते हो और लस्सी आपको कैसी लगती है? कैसी लगती है? स्वादिष्ट लगती है, टेस्टी लगती है, तो लस्सियस का मतलब भी टेस्टी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा एपेटाइजिंग, आप पेटीज खाते हो? पेटीज, आप पेटीज खाते हो या नहीं खाते हो? तो पेटीज आपको एपेटाइजिंग लगती है। पेटीज क्यों खाते हैं? खानी नहीं चाहिए, मैदा होती है, खराब करती है बॉडी, पेट आपका खराब करती है, पर फिर भी हमने पेटीज खानी होती है, तो आप पेटीज इसलिए खाते हैं क्योंकि वो आपको एपेटाइजिंग लगती है, स्वादिष्ट लगती है, है ना, टेस्टी लगती है। मैंने कहा लश, तो लशियस अगर याद हो गया तो लश भी याद हो जाएगा। लश का मतलब भी टेस्टी होता है, लशियस का मतलब भी टेस्टी होता है, डिलेक्टेबल का मतलब भी टेस्टी होता है, डिलीशियस का मतलब भी टेस्टी होता है। अब हम इसके उल्टे पे जाते हैं। अब उल्टा तो जिसको नहीं खा सकते, इन एडिबल, जिसे खाया नहीं जा सकता, गंदा है ना, अनअट्रैक्टिव, जिसको आपको देख के नहीं नहीं अच्छा, ये दोनों सेंस में यूज होता है। अगर आप लशियस चीज को बोल सकते हैं, लशियस किसी प्रोग्राम या फिर किसी पर्सन को भी बोल सकते हैं जो अट्रैक्शन का सोर्स हो, है ना। तो मैंने कहा इन एडिबल, आपको पता है इन एडिबल के अंदर इन तो अलग कर दो, एडिबल अलग कर दो, एडिबल कैसे बना? ईट प्लस एबल, जिसे खाया जा सके। अब हमने कहा इन एडिबल, जिसे खाया ना जा सके, थोड़ा खराब लग रहा है ना। तो क्या वर्ड सीखा आपने? फटाफट लिखेंगे क्या क्या वर्ड सीखा। जय हिंद दीदी, जय हिंद सुभाष भैया, हाँ जी फटाफट लिखो यार सब कोई। मैं नहीं यार, मैं नहीं पढ़ाती तुम्हें, मुझे इतना कम चार्ट रेट दिखेगा तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप लाइव हैं तो इस क्लास में सिर्फ पढ़ने के लिए रहिए, बाकी तो और कोई काम है नहीं। जब तक सब लोग नहीं लिखेंगे, कम से कम दो दो वर्ड और बिना देखे लिखेंगे, ठीक है। स्वादिष्ट के लिए कोई वर्ड आपको आता हो, डिलीशियस आता हो, लशियस आता हो, लश आता हो, या पेटीज वाला वर्ड याद होता हो यार, या डिलेक्टेबल याद होता, कोई तो याद होता होगा, प्लीज लिख दो। अगर आप लिख दोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा मत सोचना कि ज्यादा कमेंट्स कराने से मैम को हर कमेंट के साथ एक पैसा तो नहीं, मतलब एक रुपया तो नहीं जा रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आपके कमेंट्स की संख्या से मेरे को पैसे बन रहे हो फटाफट फटाफट, ऐसा सच में नहीं है। सीरियसली इनसे कोई पैसा नहीं आता, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज मेरा क्या काम इससे, मैं तो अपना पढ़ा के एक तरफ, मुझे क्या करना। और जब तक आप इसमें इंटरेस्ट लेके खुद से लिखेंगे नहीं शब्दों को, वो आपको याद नहीं होंगे। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख दिया सबने? आगे बढ़ूं फिर? आगे बढ़ूं तो अब तक की क्लास तो क्लियर होनी चाहिए, आप मुझे पहले थम्स अप भेजेंगे, यस मैम क्लियर, और मैं आगे बढ़ूंगी, वरना हम नहीं बढ़ेंगे भाई। पूरा समझ में आ रहा है? क्लास तो बताया करो कैसी लग रही है। ओके, बस प्रिया का आया, ठीक है प्रिया, दो सेकंड रुको, तुम्हारे लिए आगे चलते हैं। रानी, आंचल, उत्तम, ओके तुम्हारे लिए चलेंगे ना, प्राची, प्रवेश, बिंदु, मोनिका, चलेंगे चलेंगे अभी, फिराज खान जी, बस चल रहे हैं चल रहे हैं। सबका आ जाए, सब पार्टिसिपेट कर लें, एटलीस्ट थम्स अप भी भेजेंगे तो थोड़ा एक्टिव होंगे। देखो एक तो बोरिंग से तरीके से ऐसे लेट के, बिल्कुल चलो लेट जाओ पर दिमाग अपना एक्टिव रखा करो। पढ़े तो होंगे तुम, मुझे पक्का पता है पढ़े हो ना, लेटे नहीं पढ़े। एक देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो लेटना और एक पढ़े रहना, तो जो लेटना है वो फिर भी एक्टिव सिचुएशन हो गई कि आप लेटे हैं, माइंड आपका एक्टिव है और आप मोबाइल देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं साथ में, आपने बहुत सारे वर्ड सीख लिए हैं, ठीक है, और एक पढ़े हैं बस, ठीक है बोल रही है। अपने आप को शांति, कई बार ना इंसान सबसे बड़े झूठ पता कौन से होते हैं, जो इंसान खुद से बोलता, सबसे गंदे झूठ जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, जो आपके लिए ट्रैजिक बन जाएंगे, पैथेटिक बन जाएंगे, ड्रेडफुल बन जाएंगे, मोर्नफुल बन जाएंगे किसी दिन, जो झूठ आप अपने आप से बोलते हैं वो झूठ सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं जानती हूं बच्चे अपने आप से झूठ बोलते हैं, कई बार 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ रहे हैं उनका दिमाग कहीं और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, किताब लेके सामने बैठे हैं और अपने आप को 5 घंटे बाद अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहे हैं आज मैं 5 घंटे पढ़ाऊं, आज मैं 5 घंटे पढ़ाऊं, खुद को कह रहे आज मैं 5 घंटे पढ़ाऊं। तो ये सबसे खतरनाक झूठ है। आप चाहे 1 घंटा पढ़िए पर कंप्लीट, अपने आप को उसमें कंप्लीट लगाइए, बहुत होगा वो 1 घंटा भी,
आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ और वो है एग्जाल्ट। अच्छा आप बहुत बहुत पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ते हो ना, तो रिजल्ट अच्छा आ जाए तो आप एग्जाल्ट हो जाएंगे या नहीं, हो जाएंगे या नहीं? अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, मैं कहूँ आपकी जॉब लग गई, शिखा सिंह जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे और बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, ग्रेट यार ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, अगर आपकी जॉब लग जाए तो खुश हो जाओगे या नहीं, हो जाएंगे? तो हम ये सोचिए एग्जाल्ट रिजल्ट, एक साथ बोलिए मेरे साथ, एग्जाल्ट रिजल्ट, बोलो, अरे बोलो, मुझे सुनाई आएगा, ऐसा थोड़ा ना कि मुझे यहां तक सुनाई नहीं आता, सबकी आवाज आएंगी मुझे। एग्जाल्ट रिजल्ट, रिजल्ट अच्छा तो एग्जाल्ट तो होंगे ही, एक्स्ट्रा खुशी तो होने ही वाली है, रिजल्ट अच्छा होगा तो एग्जाल्ट होगा, बोलोगे या नहीं बोलोगे? आई नहीं, आवाज नहीं आई मेरे तक, आई नहीं, एक बच्चे की आवाज नहीं आई, बोलो जल्दी से, एग्जाल्ट रिजल्ट, एक साथ बोलेंगे, जब भी रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें एग्जाल्ट होगा, खुशी होगी, मुझे तो सुनाई नहीं आ रहा यार, तुम बोल भी रहे हो या नहीं? अच्छा वर्ड देखते हैं, खुशी का सिंबल है, हैप्पीनेस का सिंबल है बेसिकली, तो एक वर्ड बोलते हैं ना एक्सटेसी, एक्सटेसी, एक्सटेसी का रिलेशन किससे है मैं समझाती हूँ, एक्सटेसी थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी यूज किया जाता है, एक्सटेसी मेडिसिन भी होती है कि एक्साइटमेंट, मतलब कुछ ऐसा मेडिकेटेड कर देना किसी पर्सन को कि वो एक्साइटेड फील करे, है ना, तो हार्मोन्स इस तरीके से कोई ऐसी मेडिसिन दे देना कि हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाए, तो वो एक्सटेसी सिचुएशन है ना। फेलिसिटी, सिटी में फैली, ये वर्ड मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, अगर आप रेगुलरली मेरी क्लासेस को फॉलो करते हैं, बेशक यूट्यूब पे भी करते हैं, तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को आज तक भी मिला होगा और हमेशा मिलता रहेगा। तो फेलिसिटी सिटी में फैली है, दिवाली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, अभी अभी ईद का त्यौहार गया है, तो सिटी में क्या फैली है, खुशी फैली है, वो फैली है सिटी में खुशी। दो मिनट मेरे तरीके से याद करोगे याद हो जाएंगे, यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं दुनिया में, कितना ही रट्टा मार लो याद नहीं होगा, आपको एक मिनट देना पड़ेगा उसके ऊपर। आगे देखिएगा ग्ली, ग्ली तो मैंने बहुत बार सिखाया, कैसे सिखाया, अगर कोई जानता हो तो, एक गाने से सिखाया था, कौन सा गाना था, गली में आज चांद निकला, तुम्हारी गली में कभी चांद निकला, गली में तो गली में अगर चांद निकल जाए तो बताओ ग्ली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो ग्ली का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, है ना, क्या होता है, हैप्पीनेस का सिंबल है ग्ली, खुशी का सिंबल है, ठीक है जी, गली में चांद निकल गया है तो खुशी हो गई है। आगे देखिएगा ब्लस, ब्लस वर्ड का मतलब खुशी होता है और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद। अच्छा कोई आपको ब्लेस देता है, ब्लेसिंग देता है, ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है, तो गुस्से में देता है खुश होके देता है, भाई आशीर्वाद तो हमेशा खुश होके दिए जाते हैं, तो ब्लेस से हम रिलेट करके पढ़ेंगे ब्लेस, ब्लेस का मतलब खुशी, कोई आपको दे रहा है ब्लेस तो आप खुश होंगे, ब्लेसिंग को पाके भी इंसान ब्लेस होता है, खुश होता है, तो ब्लेस का मतलब भी हैप्पीनेस से रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है। अब भैया आप देख रहे थे मैच, लाइट भाग गई, अब कहते डिलाइट, दे दे लाइट, भगवान लाइट दे दे, होता है ना, तो जैसी आ जाती है, दे दी उसने लाइट, तो आप डिलाइट फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, खुशी फील करते हैं। सारे वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, पहला वर्ड एग्जाल्ट, रिजल्ट अच्छा आया तो एग्जाल्ट तो होगा ही होगा, होगा, गली में चांद निकलेगा तो खुशी होगी, होगी, सिटी में फैली है खुशी, ऑब्वियसली खुशी, किसी ने आपको ब्लेसिंग दी तो आप ब्लेस हो गए, मींस खुशी, डिलाइट, दे दे लाइट, लाइट आ गई तो आप डिलाइट हो गए, हो गई खुशी, एक्सट्रेसी, एक्सट्रेसी मेडिकेटेड फॉर्म भी है और वैसे भी एक्सट्रेसी वर्ड को यूज किया जाता है, मतलब एक स्पार्किंग एक्साइटमेंट जैसे, तो उसको भी हम खुशी से ही रिलेट करेंगे, हैप्पीनेस से रिलेट करेंगे। उल्टा हो गया अगर आप ग्लूमी फील कर रहे हैं, ग्लूमी बड़ा ही मतलब मॉडर्न सा वर्ड है जिसे उदासी के लिए हम कहते हैं ग्लूमी, तो ग्लूमी फीलिंग, ग्लूमी गुलामों जैसी फीलिंग, तो उदासी वाली फीलिंग, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा उदास ही होना है, ग्लूमी का मतलब उदास या अनहैप्पीनेस। देखो मैंने अभी बताया था यूएन लगने से वर्ड नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव का मतलब जो इनके आगे शब्द है उसके मीनिंग को मोड़ देते हैं और बना देते हैं अनहैप्पीनेस, क्या बना दिया,
अनहैपीनेस। तो लिखो फटाफट क्या क्या लिखा। दीपक, नागदा, रजनीश, अविजेश, बहुत बढ़िया। डलाइट, वेरी गुड। ग्लूमी, ग्लूमी ग्लूमी एंटोनिम हुआ भाई, है ना, अनहैपीनेस का सिंबल है। मैं देख रही हूं ना कौन कौन लिख रहा है, मैं सबके नाम पढ़ रही हूँ अंदर मन ही मन में, सबके वैसे नहीं पढ़ पा रही। सुमित्रा गुड, सारे 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 वर्ड लिखेंगे, सारे वर्ड लिखेंगे। ग्ली, बहुत बढ़िया। एक्सट्रेसी, फेलिसिटी, ब्लस, डिलाइट, फास्ट, सब लोग ट्राई करेंगे, सब लोग, एक एक दो दो नहीं भाई, सब लोग ट्राई करें। यूट्यूब पे चलती हैं क्लासेस, यूट्यूब पे चलती हैं क्लासेस, हाँ भाई यूट्यूब पे ही चलती हैं क्लासेस। मैं कौन सी, हाँ अब चंद्रमा के प्लेटफॉर्म से ले रही हूँ, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ले रही हूँ। मेरा ये कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं, वैसे मेरा भी अपना प्लेटफॉर्म है ओशन गुरुकुल, तो जो प्ले स्टोर पे चलेगा, पर फिलहाल तो यूट्यूब पे ही चलेगा। यूट्यूब पे 3 दिन क्लास होती है, मंडे मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन क्लास होती है बेटा, रात को 9 बजे, है ना। इसमें आपकी स्पोकन की क्लासेस भी होती हैं, स्पीकिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, इसके अलावा ग्रामर और वोकैबुलरी, मींस आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तीन क्लास यूट्यूब पे होती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे जो फाउंडेशन बैचेस हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई, एक तो रिसेंट अभी आज ही शुरू, कल से शुरू होना था पर कल से नहीं हो पाएगा यार, परसों से हो पाएगा। हो सकता है आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हों जिन्होंने वो बैच ले रखा हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्सस, नेक्सा शोरूम जान तो, नेक्सा सुना है क्या, मारुति ने नेक्सा के साथ कुछ काट काट कर ली है, तो हम ऐसे कहते हैं ना, लिंक कर लिया है। नेक्सस, नेक्सा ने मारुति, बलेनो आती थी, बलेनो एक कार आती थी जो कि मारुति की थी, पर अब उसके आगे आप नेक्सा लिखा देखेंगे। क्या मैं सही हूं या मुझे नहीं पता, शायद मैं ठीक कह रही हूं, है ना। अरे बताओ भी, मैं ठीक कह रही हूं, मतलब कुछ चीज तो तुम भी मुझे सिखा दिया करो, मैं भी तो तुम्हें इतनी सारी चीज सिखाती हूं, मैं सही हूं या गलत, आप थम्स अप भेजो, मैं सही गलत तो समझू अपने आपको। मैं सही कह रही हूँ ना, नेक्सा को, नेक्सा में आती है मारुति, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ। यस, और ये कुछ लोग तो हैं मेरे साथ जो थम्स अप भेज रहे हैं। सुजुकी की, एब्सोल्युटली राइट, अरे वाह, मैं तो इसका मतलब सही कह रही हूँ, राइट, चलो बहुत बढ़िया, मारुति सुजुकी की थी मैम। टाटा नेक्सोन, अच्छा टाटा की नेक्सोन, हाँ हाँ टाटा की नेक्सोन अलग गाड़ी है यार, मैं तो वो पूछ रही हूँ कि वो पहले बलेनो थी, अब वो नेक्सा, वो लिखा गया है नेक्सा के साथ उनका कुछ लिंक हो गया है, हाँ सुजुकी का जो भी है। तो ये टोयोटा कहाँ से आ गया, रहन दो तुम, रहन दो रहन दो, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे याद कर, नेक्सस का मतलब लिंक होता है ना, साठ गांठ किसी का आपस में कुछ हब बन गया, चेन बन गई है ना। गेम में गैमेट होता है, गेम के अंदर गैमेट होता है। अब भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट में 10 प्लेयर को खेलना है तो आपस में गैमेट तो करना पड़ेगा ना, तो दिस इज बेसिकली लिंकिंग, चेन या फिर हब ऐसे बोल सकते हैं। प्रोग्रेशन का भी मतलब है प्रोग्रेस के लिए, अच्छा कोई टीम, कोई कंपनी अगर प्रोग्रेस चाहती है तो उसको आपस में, मतलब एम्प्लॉयज को आपस में जुड़ के रहना पड़ेगा ना, तो दिस इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब जुड़ के रहना पड़ेगा। तो हमने कहा नेक्सस, नेक्सस का मतलब साठ गांठ होना। गैमेट, गैमेट का रिलेशन किससे हुआ, गेम के अंदर गैमेट होगा, हब या फिर चेन, मैंने कहा लिंक, एंड लास्ट वर्ड इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं तो प्रोग्रेशन तो करना पड़ेगा। और भाई अगर क्लास को पूरा देखा है तो एक इन्फॉर्मेशन, कल मतलब परसों से मेरा एक नया बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पार्ट उसमें रहेंगे। 2 घंटे क्लास रहेगी और भाई ये डेली क्लास रहेगी 2 घंटे, जिसमें आपका 4 मंथ्स लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स अलग चलेगा अलग क्लास में, ग्रामर का कोर्स अलग चलेगा। जिन बच्चों ने ये बैच लिया था, इनकी क्लास 2 मई से शुरू हो जानी थी पर भाई नहीं हो पाई, प्लीज परसों से होगी, उसके लिए कान पकड़ के माफी, है ना। आगे समझते हैं, और बाकी अलग भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, वो एप्लीकेशन पे हैं, वो आप वहां से देख लीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ, अगर आपने पढ़ाई करी है और इतने सारे वर्ड सीखे हैं
तो प्लीज अब मुझे बता देना सीजीएल 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन कंफ्यूजन जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब एक भी नहीं रुकना चाहिए यार, तब से तो तुम हो सकता है आधे कर रहे हो आधे नहीं कर रहे हो। अब अपना दिमाग खोल के मुझे आंसर दीजिए, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंट्रैपिड होता है, स्टैग्नेशन होता है, पर यूजुअल होता है या कमोशन होता है? जल्दी देख के तो बोलो, सी पूरी क्लास पढ़ी है तो सही आंसर दोगे, वरना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर। कमोशन, वेरी गुड। कंफ्यूजन का मतलब क्या था? कमोशन था, बहुत सारे लोग कॉमन होकर मोशन इधर उधर 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 भाग रहे, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन भाई। इंट्रैपिड का मतलब नीडर होता है, वैसे नीडर को ऐसे नहीं लिखा जाता, हिंदी भी मेरी ठीक है, मैं अभी उसका परिचय दूंगी, ऐसे लिखा जाता है, एम आई राइट? स्टैग्नेशन हमारा स्थिरता के लिए है, स्टेबिलिटी, बेसिकली स्टैग मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबल से आप इसे रिलेट कर लीजिए। यूजुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टडी, किसी चीज का ज्ञान अध्ययन, उससे यूजुअल कहते हैं। कमोशन हम समझिए गए, कंफ्यूजन की स्थिति। पहला नंबर अपने आप को नंबर देते चलिएगा 1, अपने आप को चेक करिए कि आपको क्या आता है, मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रही हूं। फिर से देखिएगा सेकंड शिफ्ट 1 दिसंबर को फिर से एग्जाम आया एसएससी का, उसमें पूछा गया कॉम्पिटेंट, बताइए मुझे कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है। अब आप बताएंगे क्योंकि मैं सिखा चुकी हूं इसके एक नहीं 5-5, 6-6 सिनोनिम सिखा चुकी हूं, बोलो जल्दी। कैपेबल, वेरी गुड सुमित्रा, विश्वजीत, बहुत बढ़िया है ना, बहुत सारे लोग, कोई गलत आंसर नहीं दे रहा क्या, मैं गलत वाले को ढूंढ रही हूँ, सब सी आंसर कह रहे हैं। कॉम्पिटेंट, अगर आपको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो कैपेबल तो होना पड़ेगा ना, तो सी आंसर होगा, नॉट कॉम्प्लेक्स, नॉट पुअर, नॉट बिगिनर, दैट इज कैपेबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनाउंस, बोलो अनाउंस का आंसर। 1 दिसंबर को फिर से सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया अनाउंस, आज आपको सिखाए भी हैं, एक नहीं सिखाया, दो नहीं सिखाए, बहुत सारे सिखाए हैं, बताओ कौन सा होगा? अनाउंस, ईश्वर, बादल, बहुत बढ़िया, रिमझिम, बोलिए जल्दी फटाफट फास्ट, हर कोई कोशिश करेगा, अनाउंस करना, एडवर्टाइज करना, वाओ फैंटास्टिक। ये जो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं ना, इसका मतलब गारंटी ये वही बच्चे हैं जो 9 बजे क्लास में जुड़े थे और अब लगभग 10 बजने वाले हैं, अब तक क्लास में हैं और कंटिन्यूटी आराम से शिद्दत से पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको आ गया। मैंने कहा अनाउंस, डिनाउंस का मतलब तो छोड़ना होता है बेसिकली, है ना, त्याग देना, सीक्रेट नहीं, हाइड नहीं, एडवर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस फॉर एक इंस्ट्रक्शन ऑफ इनविजिलेटर डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनर, ये आपको आज सिखाया तो नहीं है पर ये उसी सीरीज सेकंड शिफ्ट, भैया जो मैंने सिखाया जरूरी तो नहीं है कि आज ही जो सिखाया वही होगा, स्पोरेडिक भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, स्पोरेडिक भी सिखा चुकी हूँ। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? मेरे सिखाए भी ना पता है क्या स्पोरेडिक का मतलब? कोई ऐसी तुक्का मारना चाहेगा? स्पोरेडिक लगातार होता है, कॉन्टिन्यूस, इनडायरेक्ट, सीधी नहीं, रिपीटेटिव, बार बार, या ओकेजनल, मतलब कि कॉन्टिन्यूस, स्पोरेडिक या फिर ओकेजनल। अच्छा, कुछ बच्चे इनडायरेक्ट कह रहे हैं, कुछ बच्चे कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं, रिपीटेटिव कह रहे हैं, बट मैं आपको कहूं इसका आंसर है ओकेजनल, मतलब कि बार बार जो इनविजिलेटर, मतलब बार बार, अनियमित तौर पर, बेसिकली हम कहना चाहते हैं अनियमित और इरेगुलर। तो स्पोरेडिक का मतलब होता है नॉट रेगुलर, है ना, तो नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट इनडायरेक्ट, नॉट रिपीटेटिव, दिस इज ओकेजनल, है ना, बीच बीच में जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे बच्चे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरल, ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो तुम खुद ही बता देना, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं। मोरल क्या होता है? मोरल कोशिश करो सब लोग फटाफट। रितिमा बहुत बढ़िया बेटा, ओकेजनल ही होगा। कृष्णा, कोमल, रोहित, आंचल, सृष्टि, ओबामा, मतलब ओबामा, ठीक है, बी ऑनरेबल, मोरल मतलब ऑनरेबल, ऑनरेबल तो सम्माननीय होता है, मतलब रेस्पेक्टेबल, गॉडलीनेस रिलीजियस सिंबल है, धार्मिकता, सिंफनी साउंड सिंबल है, और एथिकल, एथिकल, एथिक्स, मोरल,
नैतिक होते हैं। तो देखो ना, कई बार वर्ड बहुत इजी होता है, हम कहते हैं मोरल, अरे कितना इजी वर्ड आया था, पता है उसके पेपर में तो इतना इजी आया था मोरल वर्ड, तो बहुत मोरल की नहीं। जब हम ये सब वर्ड देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन का सिचुएशन हो जाता है हमारे साथ कि यार एथिकल या फिर ऑनरेबल, ऑनरेबल भी तो ऐसे तो रेस्पेक्ट वाला, आप सोचेंगे मोरल भी तो रेस्पेक्ट वाला, पर रेस्पेक्ट और मोरल अलग अलग चीजें हैं। नैतिकता और ऑनरेबल, जैसे कि ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो मतलब वो नैतिक कहाँ से, उनको हम कोई नैतिक थोड़ा कहना चाहते हैं, क्या पता वो अनैतिक हो। तो ऑनरेबल सम्मान रिस्पेक्ट के लिए है, मॉरल के लिए सही वर्ड है एथिकल। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। चलो अच्छा, ऐसे भी आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, मैं नहीं बना रही हूँ ये क्वेश्चन, ये भी 1 दिसंबर को ही आया हुआ फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, शी कुडंट रेजिस्ट ईटिंग 2 slices ऑफ द डिलेक्टेबल पाई। तो आपको डिलेक्टेबल का कोई ना कोई वर्ड बताना है, डिलेक्टेबल की जगह पर कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं। बबीता, निधि, कृष्णा, रतमा, पूजा, अंजू, क्या वर्ड भर सकते हैं भाई, क्या भरें? डिलीशियस भरें। अब देखो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे स्वादिष्ट है तो न्यूट्रिशियस भर दें, जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो उसे न्यूट्रिशियस कहा, तो न्यूट्रिशन नहीं भर सकते हैं यार। अब देखो जैसे कि ऑनरेबल और मोरल में डिफरेंस था, भाई डिफरेंस तो न्यूट्रिशन में भी है। क्या जरूरी है जिस चीज के अंदर न्यूट्रिशन हो वो आपको स्वादिष्ट लगे, और जो आपको टेस्टी लगे जरूरी है वो न्यूट्रिशन ही हो? इसलिए सी तो आंसर बिल्कुल मत कहिएगा। स्टेल होता है बासी, बासी भोजन स्टेल, रोटन होता है सड़ा हुआ, बहुत ज्यादा पक गया है, तो आंसर होगा डिलीशियस। और उम्मीद करती हूँ आप सबने ठीक भी लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है For Rahul, everything was a fill in the blank भरना है। Modern की जगह पर modern, कितना easy, जिसके पेपर में आया होगा बोला अरे यार तेरा तो अच्छा फर्स्ट शिफ्ट में, तेरे में तो बहुत easy question आया था। Question क्या आया था? Modern। सब लोग try करें कि क्या भर क्या होगे, एकदम से गलती भी हो सकती है, आराम से भरिएगा। कपिल ठीक है, आराम से सोच के भरिएगा। हाँ ग्लोबल कह लें इसे, ग्लोबल का मतलब रिलेटेड टू वर्ल्ड है, संसार और नया। मॉडर्न, मॉडर्न क्या होता है? आधुनिक, आधुनिक युग मतलब कि नया युग। यार ग्लोबल कैसे कह सकते हो, वैश्विक विश्व के तौर पर कैसे कह सकते हो? क्या एक बात बताओ, प्राचीन काल में क्या ग्लोबल कोई वर्ड नहीं था? तब भी तो वर्ड था, विश्व तो तब भी था। आज से 10 साल पहले क्या ग्लोबल नहीं था? 5 साल पहले ग्लोबल नहीं था, 1 साल पहले ग्लोबल नहीं था, तो फिर आज क्या है? ग्लोबल मतलब रिलेटेड टू यूनिवर्स, एशियाटिक मतलब रिलेटेड टू एशिया, फ्लैशी का मतलब होता है चमकीला, हम कह रहे हैं न्यू, न्यू होता है मॉडर्न, मॉडर्न एरा नया एरा आज का एरा। तो मॉडर्न के लिए वर्ड यूज करिए न्यू, जिसने न्यू लगाया है बहुत अच्छा। अगले वर्ड की तरफ जाती हूँ, वर्ड है हमारा एक्सल्टेशन। मुझे उम्मीद है हमने बहुत बार बोला था रिजल्ट एक्सल्ट रिजल्ट एक्सल्ट, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो आपको क्या हुई आंसर दीजिए मुझे फटाफट। उमेश, नेहा, प्रतिमा, सनन्या, बहुत बढ़िया, बी आंसर होगा एक्सट्रेसी, वेरी गुड। डिजेक्शन मतलब उदासी, सैटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्शन, इलेबोरेशन मतलब विस्तार, तो आंसर क्या होगा? एक्सल्ट मतलब की खुशी एक्सट्रेसी। द नेक्स्ट वन इज लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस, सोमन लेफ्ट फॉर होम विद अ हैवी हार्ट। इलनेस का सिनोनिम बताना, अगर ये भी नहीं बताया ना तो बस रहने देना, फिर तुम पेपर देने जाना ही मत, तैयारी करके भी मत जाना फिर तो, तुम इलनेस का भी अगर ना बताओ तो। डिस्टर्बेंस, फादर को डिस्टर्बेंस हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, सिकनेस हो गई या डिसऑर्डर हो गया, मतलब बहुत आसान है यार, इलनेस का मतलब बीमारी होता है, इल और सिक बीमारी होगा आंसर। अगला बताओ, नेक्स्ट है हमारा नेक्सस। नेक्सस का मतलब किसी को याद हो, हमने वर्ड पढ़ाया था नेक्सस। The last word is nexus. बताओ nexus का मतलब क्या है? Nexus. Nexus मतलब link. Very good. Nexus का मतलब था link, झगड़ा नहीं, alignment क्या होती है? सीधा सीधा किसी चीज को sequence में रखना, that is alignment. और incongruence, हमने कहा congruence क्या होती है? जैसे कहते हैं त्रिभुज का congruence, सर्वांगता शायद सर्वांगसम त्रिभुज है ना, तो वो उसका उल्टा, जब शेप
साइज मिल रहा हो वो कॉन्ग्रुएंट है। हमने कहा अलाइनमेंट, गाड़ी का अलाइनमेंट जैसे बिगड़ जाता है, कह रहे कार का अलाइनमेंट बिगड़ गया है ना, कर रहे हो आप इधर जा रही हो उधर, तो अलाइनमेंट है ना सीक्वेंस। हम कह रहे हैं नेक्सस, नेक्सस का मतलब लिंक होता है, जोड़ साठ गांठ, तो आंसर होना चाहिए सी। और उम्मीद करती हूँ कि सबने ठीक वर्ड यूज किया होगा, राइट। अब हम आज की क्लास को विदा देते हैं और हम आपसे मिलेंगे अब वेंसडे। यूट्यूब पर एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होती है रात को 9 बजे भाई, ठीक है। अच्छा 10 में से 10 नंबर पूरे आए या एक आध नंबर कट गया ये बताओ, 10 में से पूरे 10 नंबर आए या एक आध नंबर कट गया ये बताइए पहले। मैडम जी राम राम, तो अभी राम राम मतलब बाय वाला या हाय वाला, 10 में से 10 आए हैं। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 10 में से 10। अच्छा जो पढ़ाए होंगे वो तो सारे आते होंगे ना, तो सोचिए आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, एक एक वर्ड के 5-5, 6-6 सिनोनिम पूछे सीखे, 2-2, 3-3 एंटोनिम भी सीखे। बहुत सारे वर्ड सीखने के बाद मैंने आपका टेस्ट लिया, और टेस्ट मैंने नहीं बनाया, वो एग्जाम वालों ने बनाया। तो आप खुद महसूस करेंगे अगर आप इस तरीके से वोकैबुलरी पढ़ें तो आपके एग्जाम में से पूरे नंबर आ सकते हैं भाई, है ना। ऐसा मत सोचिएगा इंग्लिश है तो 50 out of 50 पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है अगर तमीज से तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है जी। हम मैं कोशिश करती रहूंगी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी एग्जाम ओरिएंटेड। और आप मेरी क्लासेस को यूट्यूब पे तो मंडे वेंसडे एंड सैटरडे, अब हम आपसे परसों मिलेंगे रात को 9 बजे यूट्यूब पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और दूसरी बात 3 मई से जो बच्चे कल मेरी क्लास का वेट करेंगे उनको फिर से सॉरी चाहती हूँ, ऐसा मतलब हो गया यार स्टूडियो की वजह से। तो हम 3 मई से ये बात शुरू करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन बात जो मेरा ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पे शुरू हो रहा है वो 3 मई से शुरू होगा, मैं फिर से माफी चाहूंगी, ठीक है जी। बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, अपने कॉमेंट सेक्शन में अपने नंबर, जो लोग बाद में क्लास देखते हैं वो भी बता दिया करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।